हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बना रही हूँ दही भल्ले और ये उड़द दाल का बैटर है। उड़द दाल को फुल नाइट के लिए भिगो के मैं रख दी थी और फिर उसे मिक्सी जार में ग्राइंड करके एक बैटर तैयार कर ली हूँ और 20 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, नहीं तो भल्ले डालते ही जल जाएंगे और अंदर से फूलेंगे नहीं। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। आप अपने हिसाब से बॉल छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मैं छोटा छोटा बॉल बना रही हूँ। देखिए, भल्ले डालते ही फूल के ऊपर आ जा रहे हैं और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और अब इसे पलट के दूसरे साइड भी पका लेंगे। और पकने के बाद देखिए कितने सुनहरे कलर आए हैं। अब मैं इसे दूसरे बॉल में निकाल लूँगी और इसी तरह करके सारे बड़े को तल लूँगी। अब मैं सारे बड़े को दही में डिप कर दूँगी। सबसे पहले बाउल में दही डाल दूँगी और फिर सभी बड़े को बाउल में अच्छी तरह सजा दूँगी। फिर उसके ऊपर से दही डालूँगी। इसी तरह करके सारे बड़े को दही में डिप कर लूँगी। और सारे बड़े दही में डिप हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले बड़े डालेंगे। बड़े अच्छी तरह से फूल गए हैं, निकालने में ही टूट जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर से दही डाल देंगे। दही डालने के बाद डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फिर डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, देखने में अच्छा लगता है और ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। फिर डालेंगे काला नमक और फिर डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इसमें सेब अनार के दाने भी डाल सकते हैं। टेस्टी दही भल्ले तैयार हैं। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।